तो यार स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है लाइव वॉलपेपर्स के लिए, लेकिन कैसे उसको आप अपनी बैटरी को खर्च किए बिना यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रोज़ नए नए फीचर्स रोज सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू हर किसी अलग अलग फ़ोन में आते ही जाते हैं, लेकिन आपके फ़ोन अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आ रहा है या उसमें आपको फीचर्स ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो आपको दूसरे फ़ोन्स में मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जाऊंगा कि कैसे आप लाइव वॉलपेपर्स अपने फ़ोन में लगा सकते हैं लेकिन बिना ज़्यादा बैटरी को खर्च किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से आपको ये फाइल्स मिल सकती है, कौन सा आपको ऐप डाउनलोड करना है, तो उसके बारे में आपको बताने लगा। तो यार इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने ये फाइल्स दी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम पे तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर किसी वजह से आपको नहीं करना है ज्वाइन मेरा चैनल या टेलीग्राम पे, अगर नहीं हो तो फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यार इनमें से कुछ तो फाइल्स मैंने इंस्टॉल करी हुई है, जैसे अभी मान लीजिए हमने ये करना है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हो गया डाउनलोड और ये अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपने परमिशन नहीं दी है टेलीग्राम को कि आप फाइल्स इंस्टॉल कर सके एपीकेज वगैरह, तो उसको आप सेटिंग्स में जाके दे सकते हैं। और ये हो गया है यहाँ पे इंस्टॉल। तो यार अब इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक छोटी सी एप्लीकेशन गूगल वॉलपेपर्स, ये गूगल की ऑफिशियल वॉलपेपर ऐप है, 1.5 MB की ये ऐप है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसको इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। इसमें आपको अलाउ एक्सेस का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको दे देंगे तो आपकी फ़ोटोज जो फ़ोन में है उसको एक्सेस कर लेगा। जैसे जो भी मैंने लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पे इंस्टॉल करे हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ओप्पो फाइंड एक्स टू का है, तो इसको मैं वॉलपेपर लगा सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रहा था कि ये बैटरी ये ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी बाद में ये एक नॉर्मल वॉलपेपर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको एक डेमो देख के बताता हूँ। आप इसको सेट वॉलपेपर कीजिए, ये वॉलपेपर सेट हो गया, अब ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। जैसे आप फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करेंगे उसके बाद इसको अनलॉक करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए ऐसे एनिमेशन चलेगी और उसके बाद ये स्टिल हो जाएगा। तो जिससे होगा कि आप अपना फ़ोन को नॉर्मली यूज़ करें, ये बैकग्राउंड में बैटरी नहीं खाएगा। ऐसे ही यार ये अलग अलग वॉलपेपर्स हैं यहाँ पे चैनल के अंदर, तो आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इसी टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डिस्कस का बटन नीचे नज़र आएगा, उससे आप टेलीग्राम के मेरे चैनल के डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यार इन वॉलपेपर्स के अलावा कुछ और भी वॉलपेपर्स हैं, जैसे अभी मैं MIUI यूज़ कर रहा हूँ अपने रेडमी K20 Pro में, तो इसके अंदर आपको जैसे कि आपको पता होगा MIUI 12 में कुछ सुपर वॉलपेपर्स करके एक फ़ीचर आया है। इसमें होता क्या है कि आप ये अर्थ वाले वॉलपेपर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यार इनकी भी मैं AP की मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ फ़ोन्स के साथ ये कंपैटिबल है और कुछ के साथ नहीं है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अपने फ़ोन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है मोटो, आपको पता होगा मोटो एज प्लस नया फ़ोन लॉन्च हुआ है तो उसका भी वॉलपेपर है हमारे पास। और ये सब वॉलपेपर्स मैंने, लेकिन आप मेरे चैनल के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए। तो ये लाइव वॉलपेपर्स यूज़ करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग इसको इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड में हमारी बैटरी ड्रेन करता है कि, और कुछ बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या चार्जर हमारे पास नहीं होता है, पावर बैंक नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहुत सारी बैटरी लाइव वॉलपेपर के लिए यूज़ हो जाए। दिखने में चाहिए बहुत ही कूल लगते हैं लेकिन बैटरी के ओवर कुछ लोगों को ये वॉलपेपर लगाने अच्छा नहीं लगता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि कैसे आप लाइव वॉलपेपर्स को यूज़ कर सके बिना अपने बैटरी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो यार मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी, तो कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आप उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। तो आईफोन कौन से साल में लॉन्च हुआ था?
सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो गूगल सर्च करके बता सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आप अपडेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई नेम इज़ गीतक, बाय बाय।